नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। सो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अभी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप लोग वीडियो में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको अपने डिवाइस पर मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है फोन, क्या है स्पेसिफिकेशन और क्या है प्राइस फोन का। सो मैं कोई यहाँ पर प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ और कोई डब्बा वब्बा खोल के आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ। सो सीधा आप लोगों को फोन दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सा फोन होने वाला है। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये है फोन, अगर आप लोग सही से देख पा रहे हो कैमरे में। और इसका जो कलर है वो है पर्पल प्लस पिंक, और ये फोन का जो मॉडल है वो है OPPO F9 Pro। ओप्पो का F9 Pro ये फोन है और काफी अच्छा मुझे ये लगा। और इसमें आपको बता दूं कि तीन कलर आते हैं, एक आता है रेड और एक आता है कौन सा आता है भाई, ब्लू और ब्लैक का आता है, और तीसरा जो है ये है वो पर्पल और पिंक का मिक्सचर। ये काफी अपीलिंग लगा मुझे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या गजब का शाइन कर रहा है फोन पीछे से। और ये जो वेरियंट है ये है 6 GB 64 GB, और इसके जो हाईलाइट मेजर पॉइंट है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या इसकी हाईलाइट है फोन की। इसका जो सबसे मेजर पॉइंट है वो है इसका वूक चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कंपनी भी क्लेम करती है और एडवर्टीजमेंट में भी दिखाते हैं कि 5 मिनट आप लोग इसको चार्ज करने के बाद 2 आवर्स तक इसको टॉक कर सकते हैं, यानी वॉइस कॉल कर सकते हैं 2 घंटे तक 5 मिनट को चार्ज करने के बाद। और मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट कर लिया है क्योंकि मैंने ये कल परचेज किया था, और चार्जिंग लगाने के बाद काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। हालांकि इसमें टाइप सी चार्जिंग नहीं है, टाइप सी पोर्ट नहीं है, USB 2 माइक्रो USB है। माइक्रो यूएसबी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये टाइप सी से ज्यादा फास्ट चार्ज करता है। और इसका जो कैमरा है वो है 25 MP का सेल्फी कैमरा, प्लस रियर का 13 MP और 2 MP अपर्चर के साथ में इसका रियर कैमरा है। सो गाइस, कुछ मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में बैक और फ्रंट कैमरे से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर कि किस तरीके का आपको ये कैमरा लगा और किस तरीके का ये फोन लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गाइस, इसमें कोई फीचर अभी मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाया हूँ, सो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा कि किस तरीके का है। मैं इसको यूज करने के कुछ दिनों बाद एक और वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा ये फोन रहा मेरे पास। और गाइज, आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस था वो मुझे ये पड़ा है फोन पूरे 18,000 रुपये में, 17,990 रुपये का ये मार्केट प्राइस है। ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। और इस प्राइस रेंज में काफी गजब का फोन है, वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन के साथ में आप लोग देख सकते हैं, और काफी अच्छा ये फोन मुझे लगा है। और इसका रिव्यू कुछ दिन यूज करने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके का ये फोन होने वाला है। सो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस तरीके का आप लोगों को ये फोन लगा। और गाइज, एक बात और कहना चाहूंगा, मैं काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और अभी कुछ दिन पहले मैंने इलेक्शन वाली वीडियो अपलोड की थी, उस पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, और शायद इसीलिए नहीं मिला कि मैं अपनी वीडियोज का जो है वो टाइप चेंज करने वाला हूँ। और आप लोगों से इस बारे में डिस्कस भी करना चाहता था, मैं सोच रहा था कि एक लाइव सेशन करूं कुछ देर के लिए, या फिर आप लोगों से एक वीडियो के माध्यम से पूछूं। एक्चुअली मैं जो पिछले टाइप के वीडियो आते थे उसमें काफ़ी टाइम मेरा जाता था, और प्लस सर्च करने में कंटेंट और वीडियो को तैयार करने में काफ़ी टाइम जाता था, और उतना टाइम अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ किसी कारणवश, और भी काफ़ी सारे मेरे पास काम है इस वजह से मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, जिससे कि वीडियो बीच में डिले हो रही थी। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो का टाइप चेंज किया जाए, और मैं फेस कैम वीडियो भी बनाना चाहता था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करी जाए। सो आप लोग प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। अभी मैं 2-4 वीडियो अपलोड करूंगा ब्लॉगिंग के, उसके बाद आप लोगों को शायद सही से क्वालिटी पता चल पाएगी कि मैं ठीक से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और उसी के बाद आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक्चुअली मैंने फैसला तो कर लिया कि मुझे ब्लॉगिंग ही करना है अभी इस चैनल के ऊपर, और अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो फिर देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो गाइस, प्लीज आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बस इसीलिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं ये देना चाह रहा था फोन का। आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोगों की ये फोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।